बेसमेंट बन रही थी, उनमें भेड़ बकरियों की तरह बच्चे ठुसे हुए थे, इलीगल काम हो रहा था, एनक्रोचमेंट हो रहा था, और वहाँ पर बीट ऑफिसर या किसी भी फील्ड ऑफिसर को इस बात की खबर ना हो, पता ना हो। सवाल ये है कि क्या ये घटनाएं बंद होंगी, इसके लिए करना क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि राजेंद्र नगर में एनओसी किसने दिए, कहीं पानी भर जाएगा, कहीं बिजली से करंट लग जाएगा, कहीं पर आग लग जाएगी, कहीं पर कोई पिलर गिर जाएगा, कहीं पर शेड गिर जाएगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। कि क्या इन बच्चों को बचाया जा सकता था, कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस घटना को पक्के तौर पर रोकना है तो, वरना आज ओल्ड राजेंद्र नगर है, कल मुखर्जी नगर होगा, परसों लक्ष्मी नगर होगा, फिर कालू सराय होगा, फिर जिया सराय होगा, करोल बाग होगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल और वक्त इस हफ्ते की पब्लिक इंटरेस्ट की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने का है। हम हर हफ्ते आपसे जुड़ते हैं, हफ्ते में जो भी बड़ी घटना हुई होती हो, कोई बहुत ही बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट की खबर हुई होती हो, कोई बहुत बड़ी आपराधिक घटना हो, कोई बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक या फिर राजनीतिक फेरबदल हुआ हो या कोई बड़ी नीति आई हो, उस पर बात करते हैं। लेकिन आज असल मायने में पब्लिक इंटरेस्ट की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में क्या हुआ, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहां पर आईएएस और आईपीएस बनने का सपना दिखाया जाता है और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं यहां पर, अलग अलग नाम से चलते हैं, सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स हैं। ऐसा सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर या राजेंद्र नगर में ही नहीं होता है, इसके अलावा यहां दिल्ली के और बहुत सारे इलाके भी हैं जहां आईआईटी, नीट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी अलग अलग इलाकों से स्टूडेंट्स आकर यहां रहते हैं और तालीम हासिल करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है ये, जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है और इससे करोड़ों रुपए की कमाई ये हर साल करते हैं। इनका टर्नओवर जो है हजारों करोड़ रुपए के हिसाब से है और सरकार को इनकी बड़ी आमदनी भी होती है। ये तो रहा एक, ये करते क्या है और कौन यहां इनके पास पढ़ने आते हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम ये जिक्र कर क्यों रहे हैं, हमें अचानक ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, कोचिंग सेंटर्स जितने भी हैं, इनकी याद आई क्यों। मसला आप देख ही रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में एक इंस्टीट्यूट था राव, और उसके बेसमेंट में पानी भरा, वहां लाइब्रेरी बनी हुई थी, बच्चे बैठे पढ़ रहे थे, अचानक बरसात से बाहर सड़क से पानी अंदर इतनी तेजी से गया, इतनी बड़ी क्वांटिटी में गया कि वहां तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये एक पहलू है इस घटना का, बच्चे अंदर पढ़ रहे थे, बाहर से पानी गया बिल्डिंग के अंदर और बेसमेंट में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई, दो लड़कियां थी एक लड़का था। सवाल यह है कि वो आईएएस बनने के लिए आए थे, माँ बाप ने सोचा था, खर्च दे रहे थे और तमाम चीजों को देखते हुए उन्हें लगता था कि वो यहाँ तैयारी करेंगे और जरूर सिविल सर्विसेज में हो सकता है कि उनका चांस लग जाए। लेकिन जैसे पानी आया उनकी मौत हुई, उसने सवाल ये खड़े किए कि ओल्ड राजेंद्र नगर में आखिरकार कितने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और क्या वहां पर इलीगल तरीके से लाइब्रेरीज और बेसमेंट्स को यूज किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल उठा। हमने भी तस्दीक की, बाकी डिपार्टमेंट भी तस्दीक करने पहुंचे तो ये सही पाया गया कि जितनी भी लाइब्रेरीज हैं या फिर हॉस्टल्स हैं वो बेसमेंट के इलाके में चल रहे हैं, किसी ने किचन बना रखा है, किसी ने बेसमेंट को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर रखा है और किसी ने हॉस्टल में कन्वर्ट कर रखा है। क्या इसकी इजाजत है, और अगर इजाजत है तो क्या लाइब्रेरी में वहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, पानी गया तो पानी इतनी तेजी से गया कि वो बाहर नहीं आ पाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ बाहर भी आ गए, तीन स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ पाए। तो सवाल ये उठा कि वहां एंट्री और एग्जिट के अलग अलग आने जाने की जगह नहीं थी, इसलिए बच्चे एकदम से बाहर नहीं निकल पाए और पानी भर गया। अब पानी कैसे भरा, पानी बाहर सड़क थी, सड़क में बहुत ज्यादा ऊपर पानी ऊपर तक बह रहा था, एक गाड़ी गुजरी, गाड़ी के गुजरने से एकदम जैसे हाई टाइड टाइप सिचुएशन में पानी नीचे चला जाता है, बेसमेंट में चला गया। कहते हैं कि जो एग्जॉस्ट फैन था वो इलाका जो है दीवार से टूट गया और उस जगह पे से पानी अंदर प्रवेश कर गया और पानी ने फ्यू सेकंड्स यानी कुछ ही सेकंड्स में इतनी ज्यादा तादाद में पानी बेसमेंट में चला गया कि बच्चे डूब गए। बच्चे कोई
दो चार पाँच साल के तो थे नहीं कि भाग नहीं पाए, निकल नहीं पाए, बच्चे बड़े थे, बावजूद उसके वो अपना बचाव नहीं कर पाए, तो सोचिए पानी की गति कितनी रही होगी, ये बताना चाहता हूं मैं आपको। और वो लाइब्रेरी कैसी रही होगी, कितनी संकरी रही होगी, कितनी तंग रही होगी कि पानी की मार से बच्चे वहीं गिर गए, उठ नहीं पाए, बाहर नहीं आ पाए और उनकी मौत हो गई। ये तो एक बनावट को लेके, इस एक घटना को लेकर एक बिल्डिंग के बेसमेंट का सवाल था। लेकिन ये सवाल ओल्ड राजेंद्र नगर में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का नहीं है, वहां जो करोड़ों रुपए की कमाई हर महीने करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के नाम पर कैसे बेसमेंट में भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर पढ़ाते हैं, लाइब्रेरी में उनको घंटों वहां पर बैठना पड़ता है, और कायदे से इस बद इंतजामी को देखने वाला कोई नहीं। अब सवाल यहां से शुरू होता है कि क्या इन बच्चों को बचाया जा सकता था क्या? और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिर मौत का निवाला बन सकते हैं क्या? और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी इसी तरह कायदे कानून को ताक में रखकर वहां पर लाइब्रेरी, हॉस्टल या अपना किचन चला रहे हैं? अगर हां तो फिर उनको बंद कराने की ड्यूटी किसकी है? अगर उनको बंद करवाने की ड्यूटी किसी की है तो वो जब बेसमेंट में ये लाइब्रेरी चल रही थी, बच्चे डूब रहे थे, तो वो डिपार्टमेंट कहां था, वो अधिकारी कहां था जिसने यहां पर चल रही इन इल्लीगल बिल्डिंग्स को रोकना था, इसके बारे में अपने सीनियर अधिकारियों को बताना था। क्या कोई फील्ड ऑफिसर था वहां पे या नहीं था? एमसीडी क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? आज अगर आप जेन्युइन तरीके से अपने घर में एक छोटी सी तोड़फोड़ करके उसको दुरुस्त करना चाहते हैं तो आपको एमसीडी या कॉरपोरेशन वाले तुरंत पकड़ने पहुंच जाते हैं कि आप ये कैसे कर रहे हैं, आप एक ईंट लगा के दिखा दीजिए। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो रही थी तो अधिकारियों को वहां पर इस बात की चिंता क्यों नहीं थी कि जिस तरह के एनक्रोचमेंट, जिस तरह का अतिक्रमण ओल्ड राजेंद्र नगर में है, उसे देखते हुए यहां कभी भी घटना हो सकती है? सवाल अब यहां आके खड़ा हो गया। अगर पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को पहले से पता होना चाहिए था कि ये इलीगल बिल्डिंग्स यहां पर हैं, इनको नहीं रोका गया है, इलीगल बेसमेंट चल रही है। कैसे पता होना चाहिए था? पुलिस हर इलाके में, चाहे वो बीट की शक्ल में, चाहे गश्त की शक्ल में, हर पुलिस स्टेशन ने अपने अपने हर उस इलाके में जहां भीड़ भाड़ रहती है, बाजार होते हैं, वहां पर तैनाती रखी होती है। बीट स्टाफ अक्सर दुकानों के, इंस्टीट्यूट के आसपास आने जाने वालों पर, जो नए इंस्टीट्यूट खुलते हैं उनकी तमाम चीजों की तस्दीक के लिए आता है। ऐसा तो हो नहीं सकता, बेसमेंट बन रही थी, उनमें भेड़ बकरियों की तरह बच्चे ठूसे हुए थे, इलीगल काम हो रहा था, एनक्रोचमेंट हो रहा था, और वहां पर बीट ऑफिसर या किसी भी फील्ड ऑफिसर को इस बात की खबर ना हो, पता ना हो, पहली बार। दूसरा, एमसीडी के वो तमाम डिपार्टमेंट है जो ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज को देखते हैं, उन सबको इसे रेगुलेट करने में या कायदे कानून को ताक पर रखने वालों के खिलाफ कोई फील्ड रिपोर्ट बनी थी या नहीं बनी थी? ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई, बरसात का पानी भर गया, बरसात का पानी एक गाड़ी से छलक कर अंदर चला गया। ये सब चीजें तब अच्छी लगती हैं जब पता लगे कि वहां पर कोई अधिकारी नहीं था, कोई कॉरपोरेशन नहीं था, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, व्यवस्था ऐसी थी कि कुछ भी हो सकता था। कोई दूर दराज का गांव, दिल्ली, ओल्ड राजेंद्र नगर, भीड़ भाड़ वाला इलाका, घनी आबादी वाला इलाका, हजारों स्टूडेंट हर साल यहां पर आईएएस आईपीएस बनने का, आईएफएस बनने का, आईएएस बनने का सपना देखने के लिए आते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ अपनी मेमोरी को और शार्प करके लौट जाते हैं, लेकिन जब तक उनके चांस खत्म नहीं होते, वो सिविल की तैयारी में अपनी मेहनत दिखाने का कोई मौका नहीं चूकते। अब ऐसे इलाके में पुलिस का और एमसीडी के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, फील्ड ऑफिसर्स का, बीट ऑफिसर्स का इतना सुस्ताना रवैया, इतना ढीला रवैया आपको हजम होता है? जब भी कोई घटना होती है हम उठ खड़े होते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, हम सीलिंग करते हैं, हम तमाम चीजों को बंद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो घटना पुरानी हो जाती है तो फिर ढाक के वही तीन पात, वही स्थितियां हो जाती हैं, बच्चे बेचारे फिर उसी तरह से पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं, माँ बाप उन्हें उस लिमिटेड जगह में, तंग जगह में पढ़ने के लिए, जैसे तैसे गुजर बसर करने के लिए हर महीने हजारों रुपए खर्चते हैं, बस इस उम्मीद में
कि शायद बच्चा इस बार एग्जाम देके अफसर बन जाए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो अफसर भी नहीं बन पाते और इन तीन बच्चों की तरह कई बार अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। सवाल यह है कि क्या ये घटनाएं बंद होंगी, इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए अदालतों को, दफ्तरों को, पुलिस विभाग को, एमसीडी को, सबको खड़ा होना होगा। इसलिए खड़ा होना होगा, जब तक एमसीडी गलत कार्यों की रिपोर्ट नहीं करेगी, उसको सील नहीं करेगी, बंद नहीं करवाएगी, तब तक भ्रष्टाचार और अतिक्रमण खत्म नहीं हो सकता। मुझे यह लगता है कि अतिक्रमण वहां है, वहां था, यह सबको दिख रहा था, लेकिन उसको किसी ने बंद क्यों नहीं करवाया? क्या इसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व था? एक ओल्ड राजेंद्र नगर की बात नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, वहां पर ज्यादातर कारपोरेशन या इंप्रूवमेंट ट्रस्ट या जो भी बिल्डिंग बायोलॉज को देखने वाले अधिकारी कर्मचारी या जो भी महकमे होते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि आप इलीगल बना रहे हैं, बना लीजिए, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, आपको एक माले के ऊपर कमरा डालना है, डाल लीजिए। आपको बेसमेंट ऐसे करना, कर लीजिए, है बड़ा मुश्किल पर कर लीजिए। आदमी खुश हो जाता है कि मुझे इजाजत मिल गई, कॉर्पोरेशन ने या जो भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट या जो भी डिपार्टमेंट था उसने परमिशन दे दी। वो थोड़ी पॉलिटिकल अप्रोच भी लगा लेता है कि ताकि उसको तंग ना किया जाए, लेकिन वो अधिकारी बहुत शातिर होते हैं, वो कर्मचारी बहुत शातिर होते हैं। वो ये देखते हैं कि ये एक बार इलीगल काम शुरू कर देगा तो उसके बाद वो उनकी असामी हो जाएगा, जब चाहेंगे तब उस बिल्डिंग को, उस एनक्रोचमेंट को तोड़ने हटाने के नाम पर जाकर चार पैसे बना लेंगे। और ये सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर खत्म नहीं होता, फिर बगल वाला देखता है कि आपने कैसे किया, बगल वाला भी, उसको भी यही आदत लग जाती है, और अपने फायदे के चक्कर में, अपने कारोबार को बढ़ाने के चक्कर में, अपनी मर्जी की बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में, और ज्यादा कब्जा करने के चक्कर में भ्रष्टाचार की दीमक जो है वो बढ़ने लगती है। और जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको लगता है कि ठीक है, कोई गलत काम करेगा तभी तो चार पैसे दे के जाएगा हमें, तभी तो हमारे आगे आकर सलाम मारेगा, एक नोटिस भेजेंगे, सलाम मारेगा, फिर उसको तरीका बता देते हैं कि इसको डिले कैसे करना है। और यही घटनाएं हैं, ये किसी एक इलाके की बात नहीं है, ये किसी एक राजधानी की बात नहीं है, ये किसी एक शहर या कोई भी अर्बन स्टेट की बात नहीं है, ये देश के बहुत सारे हिस्सों में इसी तरह का होता है, यही प्रैक्टिस चलती है। और जहां ये नहीं चलती है वहां ना तो एनक्रोचमेंट होती है, ना ही सड़क से आए बरसाती पानी के कारण लोगों की जान जाती है, और ना ही बिल्डिंगों के ऊपर से आग लगने के बाद स्टूडेंट्स को कूदना पड़ता है। ये हालात तब बनते हैं जब डिपार्टमेंट सो जाते हैं, वो इन तमाम इलीगल एक्टिविटीज को या एनक्रोचमेंट्स को अपने महीने के भ्रष्टाचार का जरिया बना लेते हैं, तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि राजेंद्र नगर में एनओसी किसने दिए थे? जो एनओसी देता है क्या वो जाकर ये चेक नहीं करता कि जिस चीज की एनओसी दे रहा है क्या वो इलाका, क्या वो जगह उन स्टूडेंट्स के पढ़ने लायक, लाइब्रेरी के लायक, हॉस्टल के लायक है या नहीं है? और अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो क्या स्टूडेंट्स वहां से जान बचाकर बाहर निकल पाएंगे या फायर ब्रिगेड को उन्हें बाहर निकालना पड़ता है? तो उतना रास्ता, उतनी जगह है, अगर नहीं है तो एनओसी कैसे दे दी जाती है? और एक बार एनओसी दे दी तो उसका यह मतलब तो नहीं हो जाता ना कि फिर आप ताउम्र के लिए जो मर्जी कीजिए। आपको वो पैमाना, वो नियम कायदे जाकर देखने पड़ते हैं कि फॉलो हो रहे हैं नहीं, जिसके आधार पर एनओसी ली गई है। एनओसी देने वालों के खिलाफ क्यों सजा नहीं होती, क्यों उनको जेल नहीं डाला जाता, क्यों एमसीडी के जिन अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम देखना चाहिए था, सड़क पर पानी भरता है नहीं भरता है ये चेक करना चाहिए था, ये अशोर करना उनकी ड्यूटी थी कि सड़क पर पानी ना भरे, क्या ये देखना उनका काम नहीं था कि सड़क पर अगर पानी भरता है तो ये बिल्डिंग के बेसमेंट में जा सकता है, और उस बिल्डिंग के बेसमेंट को अगर उन्होंने इजाजत दी है लाइब्रेरी चलाने की या किसी अन्य कार्य के लिए, तो क्या वहां पर बैठने वाले लोगों की जान को खतरा नहीं होगा? क्या बेसमेंट में, अगर मान लीजिए 10, 20, 25, 50 फुट की बेसमेंट है, तो उसमें 50-50 बच्चों को बैठने के काउंटर बना दिए जाएं, क्या वो बच्चे निकल पाएंगे अगर वहां पढ़ रहे हैं और कोई हादसा हो जाता है? ये देखना किसका काम है? इसीलिए
कॉर्पोरेशन होती है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, फायर डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इन सभी डिपार्टमेंट्स ने क्या ये बात देखी जाके? अगर नहीं देखी तो इसकी क्या वजह थी? क्या इन सभी डिपार्टमेंट्स के सभी अधिकारियों को जो क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है उसमें एक्यूज बनाया जाएगा? क्या वो आरोपी बनेंगे? अगर वो आरोपी नहीं बनेंगे और दूसरों के ऊपर दोष लगाते रहेंगे कि इसकी वजह से ये हुआ, मेरे जूनियर ने ये नहीं किया, फला ने ये नहीं किया, इंस्टीट्यूट वाले ने ये नहीं किया, भैया आपने इजाजत दी थी या आप उसे रोकते नहीं थे, इसीलिए वो इंस्टीट्यूट वाला इस तरह से बच्चों को वहां पढ़ा रहा था जहां पढ़ाया नहीं जा सकता था, आपने उसको एनओसी दी थी इसलिए वो वहां उनको पढ़ा रहा था, और अगर आपने एनओसी नहीं दी थी तो फिर वो कैसे पढ़ा रहा था वहां पर? आपने उसको बंद क्यों नहीं करवाया बिना एनओसी के? सवाल तो सरकारी डिपार्टमेंट से पूछना बनता है ना। अगर आप लोग खामोश ना रहते तो शायद ना तो इतने बेसमेंट्स में ये एक्टिविटी चलती और ना ही इस तरह से बच्चों की जान जाती। सवाल एक घटना का नहीं है, सवाल बार बार हो रही घटनाओं का है। आग लगने की घटनाएं होती है तो बच्चे मरते हैं, हॉस्पिटल में दूध मुहे बच्चे होते हैं वो बिना एनओसी के चल रहा होता हॉस्पिटल, वहां कई बच्चे जल जाते हैं, अब बेसमेंट के अंदर डूब कर मर जाते हैं। कसूर क्या है बच्चों का? अपना अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं और उस भविष्य के चक्कर में उनके माँ बाप पैसे खर्चते हैं, पैसा खर्च कर वो जैसे तैसे रहते हैं, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई ना कि जैसे तैसे पढ़ रहे, पैसा खराब कर रहे, अपने भविष्य को संवारने के लिए यहां आए बच्चे जान से हाथ धो बैठे, और इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी एमसीडी के वो अधिकारी हैं जिनको ड्रेनेज का काम देखना था, जिनको इलीगल एनक्रोचमेंट का काम देखना था, जिनको इलीगल बिल्डिंग बेसमेंट्स का काम देखना था, जिनको ये देखना था कि एनओसी किस शर्त पर ली गई है, ली भी गई है, नहीं ली गई है, और अगर नहीं ली गई है तो किस तरह से ये बेसमेंट में काम हो रहा था। और अगर ये काम निचले अधिकारी नहीं पकड़ रहे थे, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, शरेआम दिखता था, इतने इतने बच्चे आते थे, इलाके की पूरी जानकारी होती थी, एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है ये कोचिंग सेंटर से। ऊपर वाले अधिकारी क्या कर रहे थे, सीनियर अफसर क्या कर रहे थे, ये उनका काम नहीं है? अगर फील्ड रिपोर्ट नहीं गई है, मौके के किसी अधिकारी ने फील्ड रिपोर्ट नहीं भेजी है, तो कभी महीने, छह महीने, साल, दो साल में जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी जा सकते हैं वहां या नहीं जा सकते? या उनको ये लगता है कि वो जाएंगे तो पॉलिटिकल लोग नाराज हो जाएंगे? और पॉलिटिकल लोगों को ये सोचना चाहिए कि अधिकारी अगर वहां नहीं जाते थे तो क्या उनकी कोई दखलंदाजी थी या उनका कोई वोट बैंक था जिस करके नहीं जाते थे? कसूर किसी एक का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, लेकिन उसकी सजा किसने भुगती? उन तीन निर्दोष बच्चों ने। और हमेशा इस तरह की सजाएं भुगतते हैं वो बच्चे जो बेचारे ये सोचकर आते हैं कि मैं दुख तकलीफ में अपने पेरेंट्स के बच्चे कहते हैं कि पैसे खराब करके मैं पढ़ लूंगा जैसे तैसे, मैं बन जाऊं, एक बार अफसर बन जाऊं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी मेहनत पर पानी कौन फेरता है? पानी फेरते हैं ये डिपार्टमेंट जो अपनी कमाई के चक्कर में मौत के सर्टिफिकेट दे देते हैं कि उसमें कुछ भी हो फिर बिल्डिंग में आप उसको झेलिए। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है इस पूरी घटना का, याचिका दाखिल हुई है, दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है इस मामले की, और ये जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं यही सब कुछ वहां भी पूछा जा रहा है कि भैया अगर एक गाड़ी से पानी उछलकर अंदर गिर गया, उस गाड़ी वाले को आपने पकड़ लिया, लेकिन उस पानी को भरने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको क्यों नहीं पकड़ा? ये कहां का दस्तूर हुआ? भाई कोई गाड़ी वाला जा रहा था, उसने इसलिए पानी उछाला कि तीन बच्चे मर जाएं? 15-20 की स्पीड से अगर पानी भरा हुआ था कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही होगी? कसूर उन अधिकारियों का नहीं है जिन्होंने उस बेसमेंट को बनने नहीं दिया, पानी अंदर ना जाए वहां रोकने के लिए इंतजाम नहीं किए। कसूर उसका जो गाड़ी लेके जा रहा था। अरे जो बच्चों को पढ़ा रहे थे उनका कसूर क्यों नहीं है? अरे जिन्होंने उन बच्चों को वहां पर मौत के मुंह में पड़ने से रोकने का जिनका काम था, जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने नहीं रोका, उनका कसूर क्यों नहीं है? वो नालियां क्यों बंद थी, पानी कैसे भरा था, वो किसका कसूर है? वो भी गाड़ी वाले का कसूर है। ये कोई साजिश रची थी क्या कि उसने मेरी गाड़ी जाएगी और पानी गिरेगा?
हम सवाल ये उठा रहे हैं कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, ड्राइवर को जो भी गाड़ी चला रहा था, लेकिन आप एमसीडी के अधिकारियों को भी पकड़िए ना, जिनको उस पानी को वहां से निकालने की व्यवस्था करनी थी और वो नहीं कर पाए। उस बेसमेंट वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना एनओसी के चल रहा था, लेकिन एनओसी ना देने के बावजूद उस बिल्डिंग को चलने देना, ये किसका काम था? उसको रोकने की ड्यूटी किसकी थी? उसने क्यों नहीं रोकी? क्यों वो सील नहीं हुई? अगर इस घटना के बाद अब दिल्ली सरकार या एमसीडी उन बिल्डिंग्स को सील कर रही है धड़ाधड़ जिन्होंने वायोलेशन कर रखी है, तो ये पहले काम क्यों नहीं हुआ? क्या घटना का इंतजार किया जा रहा था कि ये लोगों की, बच्चों की डेथ होगी उसके बाद करेंगे? ऐसे सैकड़ों सवाल हैं, अगर सोचने बैठ जाओ तो जितना ज्यादा सोचेंगे उतने सवाल बनते जाएंगे। लेकिन क्या ये अधिकारी, क्या ये नेता लोग सोचते हैं कि एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने की बजाय ये क्यों ये दिमाग नहीं लगाते कि काश जो वो तीन बच्चे थे उनमें से इनका भी किसी का बच्चा हो सकता था, इनके किसी नाते रिश्तेदार का बच्चा भी हो सकता था, तब भी इनका रवैया यही होता? क्या अधिकारियों को पैसा इसलिए दिया जाता है, तनख्वाह इसलिए दी जाती है, घोड़ा गाड़ी घर इसलिए दिया जाता है कि आप अपने दफ्तरों में बैठिए और जो आपका फील्ड ऑफिसर कुछ भेजे उस पर भी देख लीजिए, अगर नहीं भेजे तो भी मत उसको पूछिए। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को, एक और ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर को जो है उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन कर दिया। क्या ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को चलाना या फिर वहां पे एनक्रोचमेंट को हटाना इन दोनों का काम था? अगर इन दोनों का काम था तो ऊपर वाले अधिकारी किस लिए, पूरा अमला किस लिए बैठा होता है, पूरा डिपार्टमेंट किस लिए है? क्योंकि हमारे देश में ये आदत हो गई है कि दो नीचे वालों को रगड़ दो, उसके बाद चार दिन बाद खबरें भी हट जाएंगी, नेता लोग भी भूल जाएंगे और फिर हम उसी हिसाब से काम करने लगेंगे जैसे पहले होता। इस सोच को बदलना नहीं चाहते हमारे अधिकारी और कर्मचारी, क्योंकि इसके पीछे भ्रष्टाचार की कहानी है। इस बात की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं कि सीबीआई इस बात की जांच करे कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इलीगल तरीके से वो बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वायलॉज की वायलेशन हो रही है, तो ये सीबीआई को फिट केस है देने का, बावजूद उसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, ताकि ये पता करे सीबीआई कि इस घटना के लिए जिम्मेदार पीछे कौन कौन से कारण, कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने समय रहते अपना काम क्यों नहीं किया, और अगर उनका आंखें मूंद लेने का एकमात्र कारण पैसे हैं तो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उन तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स और उस डिपार्टमेंट के उस इलाके से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इस घटना को पक्के तौर पर रोकना है तो। वरना आज ओल्ड राजेंद्र नगर है, कल मुखर्जी नगर होगा, परसों लक्ष्मी नगर होगा, फिर कालू सराय होगा, फिर जिया सराय होगा, करोल बाग होगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। कहीं पानी भर जाएगा, कहीं बिजली से करंट लग जाएगा, कहीं पर आग लग जाएगी, कहीं पर कोई पिलर गिर जाएगा, कहीं पर शेड गिर जाएगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। यह इसलिए होता है क्योंकि जिनको एनफोर्समेंट का काम सौंपा गया है, रेगुलराइज करने का काम सौंपा गया है, जिनको ये अधिकार दिए गए हैं कि आप यहां की वायोलेशंस को पकड़ेंगे, वो डिपार्टमेंट जब ठीक से काम नहीं करते हैं, तब ये घटनाएं होती हैं। अब हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट सीबीआई को ही जांच दे दे, जो ना सिर्फ इस घटना की जांच करे बल्कि इस घटना के पीछे छिपे भ्रष्टाचार के पूरे नेटवर्क को उधेड़ कर रख दे। बस हम यही चाहते हैं। आज पब्लिक इंटरेस्ट में इस टॉपिक पर इतना ही। वैसे सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों को लेकर मैं एबीपी न्यूज पर आपके साथ जुड़ता हूं और पटियाल हर बात पूरे परीक्षण के साथ आपको दिखाता है। आप देख भी रहे हैं लेकिन फीडबैक भी दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे इन कार्यक्रम को आप शेयर भी करें, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे पटियाल उठाता है, आपको उसे पब्लिक इंटरेस्ट में आगे से आगे शेयर करना है, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट जो अपने काम के लिए बना है वो अपना काम करे, चैन से सोता ना रहे, उसके पीछे भ्रष्टाचार का नेटवर्क ना चले।
बहुत बहुत शुक्रिया।